Let's start with question number 39. It says in the expression, this is the expression, depending on P, we have E, L, M, G. So here E is your energy, L is your angular momentum, hai, M is your mass, and big G is your gravitational constant. And we show that our P is the left hand side, pe, wo dimensionless quantity. This means M0, L0, T0. Hai. ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे होगा. सबसे पहले आपको एनर्जी, आप देख सकते हो जो P है वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और जो आपका L है वो भी डिपेंडेंट है L स्क्वायर से, और आपके पास है देन M. M की पावर कितनी है? -5. तो उसको हम नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी. लास्ट विच इज़ G, उसको भी आप नीचे ले जाओ और पॉजिटिव हो जाएगी. अब सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशंस प्लेस करते हैं. एनर्जी क्या होता है? m1 l2 t रेज टू पावर -2. l क्या होता है आपका? l जो है यहाँ पे वैसे वो है एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट लिखना, l स्क्वायर मत कर देना. तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज़ गिवन बाय ml स्क्वायर t रेज टू पावर -1. नीचे आपका आ जाएगा m. m क्या है आपका? मास. तो मास की यूनिट तो m1 ही होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिट देखो, पावर देखो कितनी है, इट इज़ 5. तो हम इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? m5 में. देन यू हैव g विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 2, क्योंकि उसकी यूनिट पे स्क्वायर है. वैसे ही यहाँ पे भी मेरा स्क्वायर रह गया, एक l के ऊपर स्क्वायर था, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर था. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी क्या पावर डायमेंशनलेस है या नहीं है, मतलब P हमारा क्या डायमेंशनलेस है या नहीं है. सो इन न्यूमरेटर वी हैव m1 एंड 2 इज़ देयर, सो आई विल ऐड 2 टू इट. L रेज टू पावर 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा L हमारा? 4. और T है हमारा -2, यहाँ से T कितना हो जाएगा? अगेन -2. नीचे देखें तो हमारे पास 5 -1 है, नहीं सॉरी 5 -2 है. उसके बाद L की पावर 6 हो जाएगी और T की पावर -4 हो जाएगी. अगर आप ऊपर और नीचे मैच करते हो तो बिल्कुल सेम आ रही है, m रेज टू पावर 3, l रेज टू पावर 6, t रेज टू पावर -4. नीचे भी m रेज टू पावर 3, l रेज टू पावर 6, t रेज टू पावर -4. सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके, और आपके पास बचेगा क्या? m0, l0, t0. तो इसका मतलब दैट P इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. कुछ भी नहीं किया हमने, बस एक्सप्रेशन में सारी यूनिट्स पुट करी हैं, डायमेंशंस पुट करी हैं, और उससे हमने शो किया कि वो क्या आ रहा है, 0 0 0. और इससे पता चलता है कि हमारी जो क्वांटिटी है लेफ्ट साइड वाली वो डायमेंशनलेस है. सो यस, दिस इज़ द आंसर.